नमस्कार, मैं संतोष अग्रवाल, टी टेस्टर, टी बिजनेस डेवलपर एंड अदर बिजनेस कंसल्टेंट। आज अपने लोग बात करेंगे कि प्रोडक्ट को छांटते कैसे हैं अपनी एरिया के हिसाब से। एक कमेंट आया है, उसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा। वो नाइफ इन ट्रेवन वो उनके हैं, उनका कमेंट है और आप लोग भी उस कमेंट को देख सकते हैं। तो उस कमेंट में ये बताया गया है कि जब मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट जो चाय कर रही है उसके बराबर भी जब अपने लोग देंगे तो अपने लोग डिफर कैसे हुए मार्केट से। देखिए, ये अपने लोग जैसे रोटी कपड़ा मकान के ऊपर में अपनी ज़िंदगी चलती है और उसके ऊपर में ही अपने लोग रहते हैं। जैसे कि रोटी के अंदर अपने लोग रोटी को ही खाते हैं, उसका एक टेस्ट होता है। कपड़े में अपने लोग पैंट शर्ट पहनते हैं, है ना, और जो लेडीज रहती हैं वो अपने वियर एंड टीयर के हिसाब से जो भी उनको पसंद आता है वो पहनते हैं। जेंट्स ज़्यादा पेंट शर्ट ही पहनते हैं। तो चाय की यदि बात करें तो चाय के अंदर में एक टेस्ट है चाय का, कि एक बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उस टेस्ट के अकॉर्डिंगली यदि आपकी टेस्ट की चाय है मैच करती है तो आपकी चाय चलेगी उस मार्केट में। अब इसमें चाय के अंदर कोई भी इनोवेशन नहीं हो सकता है कि अपने लोग कुछ अलग हट के दें, क्योंकि जब मैं कंपैरिजन करने बोलता हूँ तो देखिए, कोई भी धंधा जब होता है तो मार्केट की इनकम के अकॉर्डिंगली जो भी इंडिविजुअल्स की इनकम है उसके हिसाब से धंधा चलता है। आपकी पॉकेट कितना अलाउ करेंगी कौन से प्रोडक्ट के अगेंस्ट में, उस हिसाब से आपका धंधा चलता है। तो चाय के अंदर में भी क्या है कि एक रेट डिफाइन है मार्केट के अंदर, उस रेट के अंदर में क्वांटिटी डिफाइन है, उस क्वांटिटी के अंदर में भी कौन सी क्वांटिटी चलेगी वो डिफाइन है। यदि अपने लोग छांटने की बात करें तो आपके मार्केट में जो क्वांटिटी बिक रही है वो कम से कम भी 100, 150, 200 गार्डन को छांट के उसके बाद में एक चाय को लाया गया है, तभी वो ब्रांड चल रहा है। कोई भी मार्केट के अंदर में एक पर्टिकुलर ब्रांड ही लीडर होता है, ऐसा नहीं है कि 100 ब्रांड चल रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो जो इन्होंने मैसेज किया था कि जब ऑलरेडी जिस मार्केट में जो चाय चल रही है वैसी ही चाय अपने देंगे तो अपने लोग डिफर या अच्छी चाय कैसे दे सकते हैं। जैसे आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ कि सबसे पहले रेड नेबर ने लॉन्च किया चाय को, उसके बाद में आपके टाटा ने लॉन्च किया, उसके बाद में रेगुलर वे के अंदर में चाय की खेतियां हो रही है और आ रही है। अब गुजरात की बात करूँ तो बाग बकरी वो उनके जो ब्रांड है उस ब्रांड ने लॉन्च किया गुजरात के अंदर में चाय के, जबकि रेड नेबर भी था, टाटा भी था और भी दूसरे ब्रांड चल रहे थे या लूज में चाय बिक रही थी, ये बाग बकरी ने लॉन्च किया। अब सूरत की बात करूँ तो सूरत में आज गुजरात में बाग बकरी चलने के बावजूद भी सूरत के अंदर में एक अच्छी चाय के रूप में जीवराज अपने आप को स्थापित कर चुकी है, जबकि उसी क्वालिटी की ताजमहल भी बिकती है। ताजमहल थोड़ी ज़्यादा रेट में बिकती है, जीवराज थोड़ी सस्ती रेट में बिकती है, लेकिन बाग बकरी उससे भी कम रेट में बिकती है। तो क्या है कि एक बेटर क्वालिटी आपको मार्केट सोसाइटी को समझते हुए फिर बाद में अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करना पड़ेगा। जैसे यदि मैं बात करूँ जीवराज की चाय की क्वालिटी बहुत अच्छी है, मैं उसी को यूपी के अंदर में ला के बेचूँगा तो नहीं बिकेगी वो, क्योंकि बहुत अच्छा भी नहीं बिकता है जब तक कि आपका मार्केट सपोर्ट नहीं करता प्रोडक्ट को। तो आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि आप प्रोडक्ट कौन सा लेके आएंगे। या तो आप देखिए साल दो साल मगजमारी करिए, अपना माथा पच्ची करिए मार्केट के अंदर में। यदि दिल्ली की बात करूँ तो वहाँ की एक अपनी स्टाइल है, गुजरात की बात करूँ उनकी अपनी स्टाइल है, और यूपी की बात करूँ उनकी अपनी स्टाइल है। तो यूपी में जो प्रोडक्ट चलेगा थोड़ा सस्ता चलेगा, क्योंकि उनकी पर कैपिटा इनकम जो है वो कम है, जिसकी वजह से आप देखोगे कि ज़्यादा ताज़ा चलती है, टाटा अग्नि चलती है, वो चलती है। जबकि यदि दिल्ली में जाओगे तो आपके नोबा चाय है, टूडेज चाय है, उसमें भी प्रीमियम है, ताजमहल चाय है, इस ढंग के चाय है। जबकि गुजरात में जाओगे तो बाग बकरी चाय है, जीवराज है, उमिया है, तुलसी है, आपके नीलम है, ये टाइप की चाय है, दीपक है, मूसा जी है, इस ढंग के चाय हैं। तो आज जैसे मूसा जी की भी बात करूँ तो बाग बकरी ऑलरेडी चल रही थी तो मूसा जी आई। तो एक एक एरिया के अंदर में गैप होता है, वो गैप को आपको समझना पड़ेगा कि हो सकता है कोई बड़ी कंपनी है
वो सर्विस नहीं दे पा रही है, तो आपको सर्विस बेटर दे के अपने को मार्केट लेना है। हो सकता है कि महंगा पड़ जा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की वजह से, तो आपको थोड़ा सस्ता दे के मार्केट लेना पड़ेगा। हो सकता है कि बेटर क्वालिटी नहीं दे पा रही है, तो आपको बेटर क्वालिटी को देकर मार्केट में उस मार्केट को एक्वायर करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो ट्रेनिंग होती है उसके अंदर हम रेगुलर बताते हैं, समझाते हैं, सेगमेंटेशन बताते हैं, मार्केट सेगमेंटेशन बताते हैं, प्रोडक्ट की सेगमेंटेशन, कस्टमर की, ये सारी के सारी डिटेल में बताती है और मेरे वीडियो में भी मैंने काफ़ी बताया है। तो ये सारी के सारी बातें हैं, आप हमारी ट्रेनिंग के भी वीडियो देख सकते हैं और उनका फीडबैक भी देख सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ में जस्ट ये फीडबैक था कि मार्केट में तो आपको प्रोडक्ट को छांटना पड़ेगा सर, कि आपके एरिया में प्रोडक्ट किस टाइप का चलेगा। तो या तो आप मेहनत करिए साल दो साल, उसके बाद में डिफाइन करिए, या फिर हमारे पास सैंपल भेजिए तो आप डिफाइन करिए, या आप खुद भी कैपेबल हो सकते हैं हमारी ट्रेनिंग में आके, जो कि रेगुलर वे के अंदर में होती है, आप फ़ोन करके पता कर सकते हैं। हर दो महीने के ऊपर में हमारी ट्रेनिंग होती है, तो उस ट्रेनिंग के अंदर में आके आप अपनी चीज़ों को सीख सकते हैं, बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपकी कोई भी क्वेरी हो तो उसको समझाने के लिए मैं फिर से आ जाऊँगा। और इन्हीं सब बातों के साथ में मेरा ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।